नमस्कार दोस्तों, जे प्लेनेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी जेई की CBT 1 की आंसर की आ गई है, आपने मिला भी लिया होगा, लेकिन आपके मन में एक डाउट्स है कि मेरे नंबर हैं 50 है, 55 है, 60 है, 70 है, मैं CBT 2 की प्रिपरेशन करूं या ना करूं, अभी मेरा होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, एक जो सर्वे मैंने किया है, कुछ लोगों से पूछा है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। इससे कुछ नंबर वेरी भी कर सकता है, ये एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन एक लगभग मान लीजिए कि अनुमान है, क्योंकि 2012 से RRBJEE का एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, दिए थे, और 2012 का 2015-16 उसके बेसिस पे क्या कट ऑफ रहती है। ALP में भी आप लोगों ने देखा होगा कट ऑफ बहुत ज़्यादा लोग बता रहे थे, लेकिन बहुत कम गई, क्योंकि ये प्री है, तो प्री में थोड़ा सा कम रहने की उम्मीद है। अगर यही एग्ज़ाम आपका फाइनल होता तो मेरिट बहुत ज़्यादा जाती। तो दोस्तों, देखते हैं हम RRBJEE कट ऑफ जनरल की जो है 55 से 60, ज़्यादातर बच्चों का जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो 70 से 75 किए हैं, और इसमें मान लीजिए उनका 15 से 20 क्वेश्चन गलत आ रहा है, तो अगर मान लीजिए 18 भी एवरेज मान लेते हैं गलत है, तो 18 का 3/6 नंबर माइनस हो रहा है। अगर मान लीजिए कि 75 उन्होंने किया और इसमें से 18 गलत हो गए, तो 75 से 18 जाएगा तो 57 बचेगा, और 57 - 6 यानी कि जो इनका रॉ मार्क्स आ रहा है ये 51 नंबर आ रहा है। तो ज़्यादातर बच्चों के 51 से 55 आने की पॉसिबिलिटी है, तो इस बेसिस पे जनरल की कट ऑफ जो है 55 से 60 जा सकती है। वही हम बात करते हैं OBC की, तो OBC में देखिए प्री में थोड़ा सा अंतर रहता है जनरल OBC का, फाइनल मेरिट बनती है तो भले जनरल और OBC बराबर हो जाते हैं, लेकिन प्री में काफ़ी अंतर रहता है। जैसे आपने ALP में देखा होगा 20-20, 30-30 नंबर के गैप थे, RRB गोरखपुर में OBC की कट ऑफ 30 गई थी ALP की CBT 2 में, और जनरल की गई थी 55। तो OBC का 50 से 55 के बीच में अगर आप हैं तो बिल्कुल CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए, जिसके लिए टेक्निकल पार्ट पढ़ना है और 50 नंबर का नॉन टेक, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और कंप्यूटर है। SC अगर 45 से 52 नंबर पा रहे हैं तो आप CBT 2 की तैयारी कर लीजिए, और ST का 40 नंबर से अगर प्लस है तो आप CBT 2 की तैयारी कर लीजिए। दोस्तों, CBT 2 के लिए आपको क्या करना है, RS अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो मैकेनिकल के लिए मैं बता रहा हूँ, आप RS खुरमी की बुक ले लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ है RRB में, तो आपको थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बेसिक फार्मूले, चूँकि पेपर आपका डिप्लोमा लेवल का है तो गेट लेवल के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, इसलिए बेसिक लेवल का फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लीजिए। क्वेश्चन भी 150 रहेगा 120 मिनट में, तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा टफ आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक जो फार्मूला है, एक बार कैलकुलेशन किए रहेंगे तो वहाँ पे कर लेंगे, सोचेंगे कि वहीं करेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि नई चीज़ें माइंड में फिर ओवररन नहीं करता है। और रही सवाल नॉन टेक की, तो 50 नंबर है, जिसके लिए हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे और आप देखते रहिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।